एक मोनो एक्टिंग दिखा दूं, राम कटोरी, एक बुढ़िया की छोरी राम कटोरी, क्यूकर अपनी ससुराल में गई, क्यूकर के बुढ़िया मिली वो मैं। धर्मवीर बीच में ना चलियो भाई, धर्मवीर बीच में ना चलियो। ए राम कटोरी एक चाल की एरी मामे तोड़े सुखे बात से एक अड्डन जोगी तू अड़े सा मरगी में तो अरे मा तू जाड पड़ान गई थी आगे के एक ये जाड पड़ान गई थी ए देखे बस में इतनी भीड़ तिल के रहे तो जगह ना मिले मन तो आगे एक सीट मिल गई उस पे बैठ गई इतने माया एक मुच्छा वाला ने बोला भाई जी मैं कहते बैग तो मैंने गड्डी चलानी है मैं बोली सुन रे छोरे बांस के पोरे क्यों धान सा चिड़ रख्या से आधा जोरक थोड़े बैठ के चला लिया रे के जड़ रख्या से और फिर बेटी में चली गई देखे एक छोरी बीड़ी बीड़ी पजामी पैरी ढीला ढीला जम्फर जानू जड़त पड़ रखी है और देखे न्यू बोली बिच्छू लड़ गया मुझे जहर चढ़ गया बिच्छू लड़ गया मुझे जहर चढ़ गया मैं बोलिया गार्डन जोगी तरह सांप कौन लड़ा तेरी रंद कट जा और देखे बेटी एक फिर कुर्ता पजामा पहरिया पतला पतला छोरा पाछे के में भी नहीं साबियो तो रजानो कच्चे मकान पे पितराल पैर रखे और बेटी देखे नू कुंदावे मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा मैं बोली रे गार्डन जोगे तेरा दिल थक शिरशिम की बोरी और बेटी देखे फिर डाकदार के चली गई ए डेड ने बांगी बांगी कुर्सी पे बिठा दी मेरी तो खड़े दुख से फिर न्यू बोलिया मुंह बाम ने बा लिया फिर बोलिया और बाम ने और बा लिया फिर बोलिया और बा मैं बोली रे ढेड के मुंह में बैठ के पाड़ेगा फिर तो बेटी लेके जमूर ए पकड़ के झाड़ खसते थी कार लाया मेरी की ए बार देखिए कुन सा से देखू सुमा हाय एरी माँ वो तो ओ ऐसे एक ये तरह फूफा से बताती क्यों ना और रुलिया लासी लेना है अगला मैं देखू सु कुन सा से रे बेटा जी मैं सुमा वीर गुड्डू गंगोली वाला बटेऊ अच्छा आ जा बेटा तने पुचकार दू चोखा आ जा जी मैं तो लेन आया सू हाँ बेटा के लेन आया से जी मैं तो लेन आया सू कैमरी घाघरी लेना था बताता क्यों ना जी मैं तो राम कटोरी ने लेना है सू फिर न्यू को कोई बात नहीं ए राम कटोरी ए आ जाए तोड़ी तैयार हो ले और देखे मैं सारी छोरे ले दड़का ये बतेरी ए मामो ए फूल को राजा है ए आ जा राम कटोरी जा हे नपुती को नहीं आंदी मैं सारा काम की छोरी हम छोड़ हूं चल साथ ने चाल पड़ी है मेरे डब डब भर मेरे डब डब भर आए नैन सा आए बेटी तील थोड़ी से ना मां आए बेटी बटेऊ मुंडा से ना मायू तो ठीक से आए बेटी तील थोड़ी से ना मां ए फिर मैं कुकर चली ना जाना तो तन्ने पड़ेगा और देखे बेटा तू मेरी छोरी ने राजी रखी है जी कोई बात नहीं जी सी तारी छोरी उसी मेरी छोरी एक सरिता वर्ग की छोरी ने एक एटलस साइकिल कटवा ली और कटाके ने बोबी बाल और कॉलेज में पहुंच गई जब कॉलेज की शाम को छुट्टी हुई 4 बजे और जब वापिस आने लगी तो एक छोरा जान लग रहा था उसका मार के खोए पात नु बोली ओए 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 और उस छोरे ने उल्टा मुड़का लखाण दे यार के कर गी इतनी बार मैं और सरिताली साइकिल में पिंचर हो गया अरुड़े खड़ी होगी जाके पकड़ का हाथ अरे के कहने लगा बोला छोरी तेरी साइकिल की हवा लकड़गी ओए क्यूकर छोरी तेरी साइकिल की हवा लकड़गी क्यूकर छोरी तेरी साइकिल की हवा लकड़गी हवा को क्या हो गया
हवा कोना ये हो गया हवा कोना लिकड़ी छोरे मन साइकिल में पंचर लागे روکیاں نو کیا نکلیا کرے کہا بنا مارتا بھی نہیں رہا سا ایک با کیا ہویا کہ ایک چھوڑا گھنال ہوا دی تھا اور پورے کو ہنڈموس کا رکھا پڑ رہا کہ بھئی چھوڑا پانگلی ٹیکا ہے یہ بوتل ہوا دی سے بھگوان کیسے کرنے ہوئے اس کے دوست کی ساتھ دی تھی اور اس کا نوتا آ گیا نبی اگر تو میرے بیاہ مچال لگا تو مچال لوں گا نہیں تو میری ٹال سے نبی ٹھیک سے وہ اگلے دن وہ چھوڑا تیار ہو گیا اس کا باپو نے میرا پٹے تری بان کے دے دے جاگا برات میں تری بیجتی کرواؤ گا کیوں گام میں تو کروانا کھی بار بھی کرواؤ گا وہ چھوڑا بیٹھا دیا ملا بھائی توڑے بیٹھ جیا مزا گا برات میں اس کا باپ تیار ہو کر برات میں چلیا گیا
چھوڑے نے دیکھا بیا لینا ہے کبھی ترا یار نہیں ہے اس کا باپ آ گیا اپنا باپ تو کہنے لگا پتا جی کہ تو آنا چاہیے نہیں تو اس بنا میں شادی نہیں کرواؤں گا اس کا باپ گیا انہوں منا کے لیا اس کا جو چھوڑا تھا لچا اس کا باپ نو کہنے لگا میں نہیں رہ جاندہ برات میں اسے نے لے جاؤ دونوں آگے لڑائی ہوگی آپس میں دونوں سمجھ ہوتا کر کے دونوں برات میں چالو کر دیے اب راستے میں کیا تھا اس کا باپ اس کا نہیں دیکھ کر چھوڑا اس کا نہیں دیکھا ڈانڈڑ واسطے میں پہنچ گئے دکا ہونے لگ گئی اب دکا پہ جو اڑوادی چھوڑا ہوا اگر اس پہ ڈٹیا جا کر کیوں براتی ہیں کوئی سیٹی مارا کوئی کیمیں کرے اس کا باپ نو بلائے کوڑ نے بیٹھ جا بھائی اور جب منہ تو بول پڑا میرا ساڑے کی جام تار دوں گا میں پتا جی تیرا میرا یہ وعدہ طاقت ہی نہیں بولوں اور اڑے بیٹھوں گا اپنے ڈانڈڑ واسطے میں ایک بڈھا نے چھوڈیا رہے سامان دھو رہے اس کون میں تو بڈھا نو چھوڑا اور برات چلی گئی دکا پہ اب جوڑوا دی ٹبر اس پہ ڈٹیا جا کر تھوڑی دیر پاچھے کری بڈھے گیا کچھ بات نیا بڈھا نیا پھر تھوڑی دیر پاچھے نلیا پھر بڈھا نہ اٹکا پھر چھوڑا نہ کری ارے اتنے میں برات آ لی الٹی آتے برات رہو بڈھا نو ملیا یا سوا میری بےزتی کر دی اس نے سوچی تری بہان کہ دے دیا بھی تری ذات تروا لی لے کھڑا ہو رہا ہے ہاں بول پتا جی کیا بات ہے لے تنے کیا گئی بڈھے تائی میں نے کچھ نہیں کہی بڈھے تائی کہنے لگا تو بتا رہا کیا گئی سے لے تیرے چھوڑے تبوز لے بڈھا کیا نہ بتاؤ تھا نہ تیرے چھوڑے تبوز یہ چھوڑا کھڑا کر لیا لے بیٹا ساچی ساچی بتا لے پتا جی آپ منہ تو ناٹ گیا تیر بولن تن لے ہاں بالکل بولن تو ناٹ گیا تھا میں نے اس بڈھے تک کہا کہ تو چھوڑا آڑا میں کہہ سکے یو پھر بھی ناٹ گیا پھر میں نے کری کہ چھوڑی آڑا میں سکے پھر بھی ناٹ گیا پھر بولے میڈم میرا آنا ہے جیسے Thank you.
अच्छा मानस मारा तेरा के पड़ता है ये घूंघट नाटा और जो कोकरो मुआगर वो आन दे हाजर सासरे मारी मैं कद को मम्मा गा रही है तू हाथी ना लगाइए मेरी घूंघट के सासरे में आई सुमे पहलम जट के हाथी ना लगाइए मेरी घूंघट के अरे सासरे में आई से तू पहलम जाट के तड़के ताई बदला हवेंगे कोटे बोट के तड़के ताई बदला हवेंगे कोटे बोट के का कौन गल है बोलिए झूठी नहीं बोलो पिया तेरी हो कसम पहलम पहलम बात करण में आवे से शर्म ओ मने आवे से शर्म हर करना साजी कर के रघुवरी हे र आवेंगी बात गोरी नूरे गरमा गरम हेरे गरमा गरम दरी लागे बात करिए हाय दरी लागे बात करिए दूरी हट के डर लगन रीछ ले रहा हूं मैं वे मर्द मान सुतरा मैं तो दोराऊंगा और के रीछ ले रहा उडर लाग गया तनो आ जा नहीं है हां बोलिए तेरी लागे बात करिए दूरी हट के अरे घूंघटा हटा दे रे गोरी के खट के तू रे घूंघटा हटा दे रे बताए दे के बाकी रह रही है खैर जिक्रा तो अपनी फर्स्ट नाइट का हो रहा है हाँ। पर जाए रोए जब तुमने मानस हाँ। और चक्कू हाय बेरानी के कहे याद दे आदमी तो उंगड़ बढ़ा गए होंगे नाम मत घूंघटा उठाएगा नाम मंगा
अरे सप्ताह का सप्ताह छह पुटका त्रिया से हम इकड़ा चढ़े तो चाउड़े तो परे तिले कोई आठ नहीं है फिर बोली आइए I'm gonna
एक ब्राह्मण ने देखे थे मारी केला बाट हारे अरे बड़ी मुश्किल से पारा था मन जमना पे पार दे सुसी चोट मारी तीना आया सांस बाड़ी थे मदनावत रानी से पूछा उस माली ने कहने लगे कौन है रोने वाली कहाँ रहती है कहने लगी कि मैं इस काशी शहर में रहती हूँ किसके यहाँ क्या नाम है तेरा के नाम मेरा कुछ नहीं मेरे को बेवारस कहकर पुकारते हैं किसके यहाँ रहती के पंडित रामलाल के यहाँ रहती हूँ क्या कैसे पलक के लगा रे मोती चमक लड़े मैं बेमौसमी तड़े पड़ा दशरस के लेती घरे मैं अपने पुत ने बैठा तेरी अरे गोटाला
ਸਜਣ ਕੈ ਸਮਝਣੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਸਵਿਤਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੈ ਪੱਕੀ ਦਤਰੀ ਸਗੈ ਬਰਾਣੀ ਅੜ ਥੁੱਕਣ ਕਾ ਵੀ ਡਰ ਸੈ ਆਜ ਆਜ ਮੈਂ ਕੇ ਰੋ ਲੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਜਿੰਦੀ ਭਰ ਸੈ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਔਰੀ ਗਾਰੀ ਸੈ मेरा और महाशय पाले राम जी का कोई मुकाबला नहीं। जितनी मेरी उम्र हुई शेख इतने दिन तो महाशय जी ने गाते हो लिए। और भाई मुकाबले की बात थी पहले जो मुकाबला करनी है वो देखा के पाछा ने और बात किस टाइम की केरो ताश कोर का जब सरप लड़ जाता है उसकी माँ भांस ने गोड़े में लेके विलाप करे है और एक बात के द्वारा क्या कह लगी के बता जा वाला ये शान पलक की एक पहर में
Thank you.
Thank you.
तो बात की समय के जिस वक्त वो विक्रम पंगला रानी को सैयद के साथ चौपड़ सार खेलते हुए देख लेता और न्यू सोचा पंगला ने के कदे अपने भाई से बतावे तो नगर सेठ के पास बांदी भेजती है कि उसको बुला के ला। और जब बांदी ने जाकर का कहा कि सेठ जी आपको कंगला रानी ने याद किया तो लाला जी था एकदम जी ने बन गई कि रानी ने चुप कर बुलाया क्या गलती बन गई बाल तोड़ कर जाता है और जाकर का हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और एक बात के द्वारा क्या कहता है क्या बताया
निकल ना क्या के महारानी तने ओ पानी वाली कवाव सुनी को ना के बेरा अरे हम तो ए मरे मराए हो से और तू क्यों जुल्म करे मेरे साथ में वो याद दिवाता कवाव क्या के दाखर में क्या बताना मेरी खड़िया बाणिया पड़ी